मोहन बगान इन द एफ इज चैंपियंस लीग टू भाई साहब ऑफ कोर्स अफकोर्स मैच डे या मैं बोलूं डी डे फॉर मोहन बगान सुपर जैन एंड ऑल द इंडियन फुटबॉल फैंस क्योंकि यार देखो हमारी नेशनल टीम तो उतना कुछ नहीं कर पाती है है ना कॉन्टिनेंटल स्टेज पे तो वी हैव हाँ आर क्लब्स लाइक मोहन बगान सुपर जैन एंड ईस्ट बंगाल एफ जो कि ये साल चैंपियंस लीग खेलने वाले हैं नहीं चैलेंज लीग एक टीम खेलेगी एक टीम लेट मी कोड आज के मोहन बगान का मैच जी हाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है मोहन बगान सुपर जैन के लिए ग्रुप yes, जब आप एक ओवरव्यू डालते हो तो रोशान खुलब एक ऐसी टीम है जिसको आई थिंक सो एंड जो भी फुटबॉल फैन है जो भी मोहन बगान का फैन है वो सोचेगा यार ये क्लब के साथ में हमको छह पॉइंट्स

काइंड you ऑफ know, uh, kind of वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना फर्स्ट हाफ में कि वन एंड टू हमको देखने के लिए मिल रहे हैं ठेक ठेक पासिस मिल रहे हैं पर सेकेंड हाफ में भाई आई डोंट नो सडनली ड्रॉप होती है इंटेंसिटी सडनली बहुत ही ज्यादा बैक एंड होके खेलते हैं डिफेंसिव अप्रोच लेते हैं तो यार इसको इस चीज को भाई अपने सिस्टम से बाहर हटाना पड़ेगा मैं तो सिस्टम हैंग हो जाएगा सही बता रहा हूँ भाई क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बीजी अगेंस्ट रोशन कुलब इवन दो एवरी वन थिंग रोशन कुलब के अगेंस्ट हम जो है छह पॉइंट ले सकते हैं course, ले सकते हैं This club is अगर हमारी और इनकी करोगे, तो मोहन मगान स्क्वाड बहुत बढ़िया है बट स्कॉड बढ़िया रहने से हर चीज नहीं होती अगर ऐसा होता तो बहुत सारी टीम जो है ऑलवेज टाइटल जीतते बट ऐसा नहीं होता भाई फुटबॉलिंग वर्ल्ड में बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है और उस फैक्टर्स को आप लोग प्रॉपर तरीके से जो है मैच में इस्तेमाल करना होता है तो कहीं ना कहीं यार अफकोर्स यस मोहन बगन सुपर जायंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है रावशान कुलभ यस लास्ट सीजन जो है उन्होंने सेकंड फिनिश किया है उनको इसलिए मौका मिला है एसीएल टू में खेलने का मोहन बगन सुपर जायंट्स इवन आफ्टर विनिंग द लीग शील्ड बिकॉज हमारी जो ट्रैकिंग कम है हमको यहाँ पे एसीएल टू में मौका दिया गया है तो अफकोर्स बहुत बढ़िया मौका है मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ में और ऊपर से यार फैंस तो यार बैक करेंगे करेंगे क्योंकि ये हमारे होम ग्राउंड पे मैच है वीवाई बीके पे मैच है राइट right? तो यहाँ पे आपको फीस करना होगा फैंस का जो ताबड़तोब सपोर्ट रहेगा पैशन रहेगा उसके ऊपर हमको फीस करना है ऊपर से जो टीम है रोशन क्लब आई टेल यू अगेन बाय बीबल टीम है श्योरली वी विल टॉक अबाउट द मेनिजम ऑफ दिस टीम आने वाले वक्त में बट उससे पहले मोहन सुपर सुपरजायंस की बात कर लें और ऊपर से सबसे अच्छे बेनिफिट क्या है यहाँ पे कि फॉरनर्स आप ग्यारह के ग्यारह फॉरनर्स खिला सकते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहन सुपर सुपरजायं जो है मैक्सिमम फॉरनर्स के साथ में इस मैच में जा सकती है तो भाई सबसे पहले हम लोग जाते हैं और मोहन बगान के स्कॉड के बारे में बात करते हैं और मुझे ऐसा लगता है है कि ये ये जो आपके सामने ये है, वही स्टार्ट करेगी आई बी वेरी ऑनस्ट एन यही स्कॉड के साथ में हमको जाना चाहिए वैसे देखो वी हैव प्लेयर्स हु कैन स्टार्ट इन द स्टार्टिंग दफकोर्स ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैं स्टार्ट करना चाहूंगा पर्सनली बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मोलिना जो है थोड़ा सा सेफ खेलेंगे यू you नो know, इन द स्टार्ट ऑफ द मैच जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें वो चेक करेंगे अपने डायनामिक्स कैसे हैं टीम जो है कैसे हाइपर एक्टिव होकर खेल रही है क्या डिफेंसिव खेल रही है क्या अटैक में खेल रही है क्योंकि उनके भी डायनेमिक्स में समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप कितना भी बैठ के एनालाइज करो उनका गेम क्योंकि वो अपने लीग में खेल रहे तो आप कितना भी एनालाइज करो तो आपको वो फुल पोटेंशियल नहीं दिखेगा वहां पर जब आप फर्स्ट फाइव मिनट्स फर्स्ट टेन मिनट्स भापते और सामने वाले अपोनेंट्स को तब आपको समझ में आता है कि भाई सामने वाले गेम कैसा खेल रहे हैं क्या टैक्टिक्स लगा रहे हैं और हमको जो है क्या टैक्टिक्स लगाने हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थ्री फाइव टू से ही हम स्टार्ट करेंगे इस गेम में विशाल कैद श्योरली एज अ गोलकीपर स्टार्ट करेंगे आई नो लास्ट के दो मैचेस जो है विशाल केत की भी उतनी अच्छी नहीं रहे बट यार डिफेंस की भी बात करें डिफेंस भी उतनी कुछ खास नहीं रही थी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है रॉड्रिगेस के फिटनेस के ऊपर मुझे ऐसा लगा कि रॉड्रिगेस ये मैच स्टार्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते डिपेंड ऑन द इंजरी इंजरीवाइस अभी तक कोई प्रॉपर न्यूज नहीं आएगी अल्बर्टो रॉड्रिगेस जो कितने दिन बाहर रहेंगे तो यहां पे क्या दीपेंदु बिश्वास को डाला जाएगा या फिर नुनो रियस जो कि अभी रिसेंट में ट्रांसफर हुआ है उनका तो क्या उनको डेब्यू दिया जाएगा बिकॉज ऑफकोर्स जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कितने भी खेल सकते हैं ग्यारह के ग्यारह आप खिला सकते हो बट अगेन नूनो रेस को यहाँ पे रश नहीं करना चाहेंगे श्योरली बहुत कुछ चेक करना होता है उसके बाद में जो आप उनको डेब्यू दे सकते हो यहाँ पे अगर नूनो रेस को रश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई एक सही बात होगी तो आई गेस कहीं ना कहीं दीपेंदु बिश्वास स्टार्ट कर सकते हैं मैच में एंड यार देखो दीपेंदु बिश्वास अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो बैकलाइन है उतनी ज्यादा ही खास नहीं लग रही मुझे देखो सुभाषिष बोस ऑफकोर्स हैज लेफ्ट बैक बैक थ्री में वो खेलतेड हैिगस खेलते थे राइट राइट सेंटर बैक टाइप ऑफ बट यहाँ पे अगर आप दीपेंदु विश्वास को डालते हो तो रोड्रिगस के बदले दीपेंदु बिश्वास यहां पर आएंगे तो यार बैकलाइन मुझे लग रहा है कि रोशन क्लब के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा लाइक प्यर्स करने के लिए हो या फिर अटैच करने के लिए हो तो इस चीज का वो फायदा उठा सकते हैं मैं रोशन क्लब की यहाँ पे बात कर रहा हूं बट फिर भी यार इफ यू लुक एट द वी हैव लाइक अपुया की बात करो, थापा की बात बात करो करो थापा दिस टू प्लेयर्स कैन प्ले ब्रिलियंटली एज ए डबल प्योर बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि यहाँ पे उनके साथ में रनर्स कौन है उनके साथ में क्या बैकलाइन शील्ड करने के लिए टॉम मल्टेड काफी रहेंगे नहीं रहेंगे तो ये सब बड़े क्वेश्चन हैं तो इसके आंसर आपको कल के मैच में ही मिलेंगे बट आई थिंक ये वही जो टीम है आपके सामने जो टीम है जैसे लिस्टन लेफ्ट मिडफील्ड में या फिर लेफ्ट विंग बैक में स्टार्ट करेंगे अपू एंडाज डबल प्योर श्योरली एंड उसके बाद में मनवीर या फिर मुझे लगता है कि आशीष राय को स्टार्ट किया जाएगा अगर रॉड्रिगेस नहीं खेलते तो आशीष राय शुड भी एज अ राइट विंग बैक और राइट बैक right आप खिला सकते हो आशीष राय को तो बेहतर होगा थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी और मुझे लगता है कि ये थ्री फाइव टू छोड़ के आप फोर फोर टू का भी सिस्टम खिला सकते हो तो बहुत बेहतर होगा अगर कल के मैच में अल्बर्टो रॉड्रिगेस नहीं है तो ठीक है तो उसके बाद में ग्रेक हैज सेंटर अटैकिंग मिडफ़ील्डर ऑफ़ कोर्स इस लास्ट गेम इनका बहुत बढ़िया था और आने वाले वक्त में भी आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ ग्रेक एंड यार ग्रेक जो है जो पोटेंशियल कमिंग का वो बहुत सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं Greg के जो बॉल्स 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 हो गए या फिर यू नो you डिफेंस know, पियर्सिंग होते होते हैं हैं बहुत बढ़िया होते हैं। तो यार मेरे फ्रंट टू में जो है पेट्रोत एंड कमिंग स्टार्ट करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ यार रोड्रिकेस अगर स्टार्ट नहीं करते तो थ्री फाइव टू के बदले आप फोर फो टू फो शिफ्ट कर सकते हो तो मुझे लगता है कि यार डिफेंसिव स्टेबिलिटी के साथ में मिडफील्ड में भी स्टेबिलिटी आएगी और इस गेम को बहुत सही तरीके से मोहन मैगान निकाल सकती है वहीं पर अगर हम लोग बात करें यार रावशन क्लब की तो अफकोर्स रावशन क्लब एक ऐसी टीम है जो कि फोर थ्री थ्री से स्टार्ट करती है उसके बाद फोर वन फोर वन का इनका शेप देखने के लिए मिलता है बट यहाँ पे मैं फोर थ्री थ्री का ही सिस्टम लगा के आपको समझा देता हूँ यवगन उनके एक गोलकीपर जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है अफकोर्स इज गुड मोकिक इज अ न्यू गाय एंड ओफारी भी जो है नए बंदे नए नए ट्रांसफर हुए हैं ये सीजन बट आई थिंक दे विल सेटल इन आराम से वो जो है इस गेम में बहुत बढ़िया दिखेंगे आपको क्योंकि मौखिक को एंड ओफरी उफ, के आप अगर वीडियोज देखोगे दोनों स्टेबल बंदे लेफ्ट बैक में जो मोकिक बहुत बढ़िया खेलता है नजर उनके कैप्टन है बहुत ही तगड़े हैं सेंटर बैक ओ भी बहुत तगड़ा सेंटर बैक है ऑफ कोर्स मार्कोविक कैसे भूल सकते हैं एक प्रॉपर राइट बैक है एक डिसेंट राइट बैक हैली उनके जो रन होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं तो इस बंदे के ऊपर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी मोहतौर एक बहुत ही बढ़िया बॉक्स टू तो बॉक्स में है जो कि नंबर सिक्स पोजिशन में भी खेल सकता है एंड स्टेडियम पोजिशन में भी खेल सकता है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मोहतर जो एक प्लेयर है बहुत तकलीफ दे सकता है थापुआन अपुया को एनश्योर यार अश्मे से प्लेयर उनके पास में मीरक मोदो जैसे प्लेयर्स हैं यार इनके नाम लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है खोजो माटीज के ऊपर नजर रखना है नंबर नाइन है प्रॉपर ट्रेडिशनल नंबर नाइन है भाई साहब बहुत डेंजरस है मैक्सिमम इनके लेफ्ट विंगर होंगे एंड सफर और इनके राइट विंगर होंगे तो यार ओवरऑल टीम बहुत ठीक ठाक इन्होंने बनाई है एक स्टेबल टीम बनाई है फॉर एसियल टू एंड एनश्योर इस टीम यार तकलीफ तो देगी मोहन मगन सुपर को इनिशियल मूवमेंट में हो एट द एंड मूवमेंट में हो क्योंकि इनके पास स्पेस बहुत ज्यादा है इनकी भी टीम जो है सब्जेक्ट टू चेंज है क्योंकि अभी तो पूरे प्लेयर्स अवेलेबल है बट हो सकता है यहाँ पे जो इनके कोच हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस लाएं या फिर सिस्टम में चेंज लाएं नॉर्मली फोर थ्री थी स्टार्ट करते हैं अगर वो थोड़ा सा डिफेंसिव जाएं तो फोर फोर टू भी स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ प्लेयर्स आपको बैकलाइन में चेंज होते हुए दिख जाएंगे तो यार अगर मैं पूरे गेम की डायनामिक आपको समझाऊं कि रोशान कुलप के साथ में मोहन बगन सुपर जयंस को क्या क्या दिक्कतें होने वाली है क्योंकि अगर आप मैं पासिंग मैप का दिखाऊं पे रौशान कुलप का आप देख सकते हो पूरी टीम इन्वॉल्व होती है इन द बिल्ड अप इन टर्म्स ऑफ अटैक भाई साहब तो मजा तो आने वाला है इस गेम में ऊपर से रोशान जो है पहले भी एफ कप वगैरह खेल चुकी है बट उनका जो रिकॉर्ड है एफ कप पे उतना कुछ खास नहीं है तो हो सकता है मोहन मगन सुपर जयंस के लिए ये एक चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट कर जाए क्योंकि इनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है अफकोर्स ये जेमी मैक्रन आपको कल के मैच में दिख सकते हैं सॉरी आज के मैच में दिख सकते हैं सेकेंड हाफ में आप उनको देख सकते हो यार ऑफ कोर्स आई फील कहीं ना कहीं अगर Jamie McLaren आते इस गेम में खेलते हैं विल बी एक्स्ट्रा फायर पावर इन द मोहन स्कॉड एंड श्योरली विल सी द एथ ऑस्ट्रेलियन मेक हिज डेब्यू फॉर मोहन मगन सुपरजायंस इन द एशियल टू भाई मजेदार तो होने वाला मैच तो मजेदार से याद आ रहा है क्या प्रिडिक्शन हो सकता है आज के मैच का लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोलूं फुटबॉल गेम जो होता है ना दो हाफ का होता है ये मोलिना को जल्द से जल्द समझना पड़ेगा फर्स्ट हाफ में ऑलवेज वी बीन सीइंग ग्रेट गेम प्ले ग्रेट डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस ग्रेट अटैकिंग फॉर्मेशंस ग्रेट ट्रांजिशंस बट सेकंड हाफ में ये सब चीजें जो है भूल जाते हैं ऐसा लगता है कि नर्सरी के बच्चे खेल रहे हैं तो इसको भुलाना पड़ेगा भाई साहब और अपने एक गेम को अप करना पड़ेगा दोनों हाफ को सेम नजरिए से देखना पड़ेगा तो श्योरली मोहन बगान सुपर जायंट जो है राहुशान खुलप को हरा सकती है आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑन पेपर वी आर बेटर देन राहुशान खुलप कोई कुछ भी बोले इट डजेंट मैटर मोहन बगान सुपर जायंट ऑन पेपर आर वे बेटर देन राहुशान खुलप ये बात हमको समझनी पड़ेगी बट ये मोहन बगान समझती है नहीं समझती है, वो तो आज के मैच में आपको पता ही चलेगा सेकेंड हाफ में

वच्छे भारत